और इसे जय श्री राम वाला पत्थर मिल गया है और ये पत्थर तैरेगा। और धनुषकोडी ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, मतलब रामेश्वरम का लास्ट पॉइंट है। इसके 18 किलोमीटर आगे श्रीलंका है। तो हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट बना रही है एक पुल जो यहाँ इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करेगी। और यहाँ पे दो समुद्र मिलते हैं, लाइक बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन दोनों मीट करता है। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बेसिकली सारे टूरिस्ट वगैरह यहाँ घूमने आते हैं। ये देखो दो दो कलर आपको अलग अलग दिखेगा समुद्र का। आई डोंट नो आपको यहाँ से दिखेगा कि नहीं फोन से। तो यहाँ दो अलग अलग समुद्र आके मीट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ का नज़ारा, हवा थोड़ा चल रहा है यहाँ पे, बाकी धूप बहुत है। उधर कुछ छोटा सा आइलैंड वगैरह जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ थोड़ा फोटो शूट कराएंगे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, रहा नहीं जा रहा मेरे से। बेसिकली वी आर एट द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इससे आगे श्रीलंका है। बाकी अभी यहाँ पे पुल वगैरह बनने वाली है और यहाँ पे दो समुद्र आपस में मिलते हैं। ये वाले जो समुद्र का कलर थोड़ा सा अलग है, ये पैसिफिक ओशन वाला कलर है, बे ऑफ बंगाल उस तरफ है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आगे पानी फिर आगे मट्टी में काला वाला झंडा दिख रहा है। इंजे ओरल बदर के ना इंजे ना अंजे इंजे ना आ थोड़ा ये जो ये लोग यहां से श्रीलंका दिख रहा है। देखो दो कलर चेंज होते हुए मिल रहा है। उधर का थोड़ा सा स्काई कलर है, इधर थोड़ा ब्लूइश कलर है। दो कलर चेंज होते हुए समुद्र मिल रहा है। और इसे जय श्री राम वाला पत्थर मिल गया है और ये पत्थर तैरेगा। और ये पत्थर डूब गया। ऑल राइट, तो अब हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी टेम्पल। ये यहाँ से पता नहीं थोड़ा दूर है। यहाँ पे एक्चुअली राम सेतु मंदिर, राम सेतु पुल दिखता नहीं है, वो 18 किलोमीटर के बाद दिखता है। और वो मतलब आपको मैप में दिख जाएगा, यहाँ से वो नीचे चला गया है, 15-20 मीटर नीचे चला गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी टेम्पल। वहाँ पे कुछ अवशेष बचे हुए हैं जो फ्लोटिंग स्टोन्स हैं, तो उसी को देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये ओल्ड धनुषकोडी का सिटी, 1964 में यहाँ सुनामी आया था, ये सब टूट फूट गया, बर्बाद हो गया। अब यहाँ सिर्फ जंगल बचा है। द होल रामेश्वरम लुक लाइक एन आइलैंड। ये पूरा मतलब समुद्र के टापू के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है और जहाँ पे रामायण से रिलेटेड बहुत सारी तथ्य हैं। अभी हम लोग हैं विभीषण मंदिर में। यहाँ पे विभीषण जी का राज तिलक हुआ था राम भगवान के द्वारा। तो अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगा अंदर का। अब हम लोग पहुँच चुके हैं राम पादुका, रामचरण पादुका टेंपल में। यहाँ पे राम भगवान जी का पैरों का निशान है, तो चलते हैं अंदर। और यहाँ से रामेश्वर का पूरा अच्छे से व्यू दिखता है। तो ऊँची जगह में था, आते आते फंस गया हूँ। और मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको और चलते हैं ऊपर।
ये है रामचरण पादुका मंदिर, आप चलते हो ऊपर, काफ़ी पुराना है और बहुत भव्य है। इधर इतना हवा आ रहा है, इतना रिलैक्स्ड है, जैसे धूप में जाएंगे इतनी गर्मी लग रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन मंदिर के अंदर वीडियो नहीं कर सकते, फोटोज नहीं डाल सकते, अभी मंदिर के बाहर है। इस दीवार के पीछे भगवान राम का चरण पादुका है, अभी हमने उसका दर्शन किया। ये है व्यू नज़ारे ये मंदिर से, वो लाइट हाउस, और वो जो छोटा पुल दिख रहा है ये है हमारा रामेश्वरम धाम। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो उधर, और हाँ से सारे पूरे एकदम दूर दूर तक रामेश्वरम का नज़ारा दिख रहा है। ये लग रहा है एक टापू जैसा पूरा आइलैंड बना हुआ है। अंदर तो अलाउड नहीं हुआ, अंदर फोटो खींचना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, हम लोग मंदिर के बाहर हैं। सूरज कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अपने राम भगवान के दर्शन कर रहे हैं? यही है कि राम भगवान का दर्शन हो गया, उनका चरण पादुका का दर्शन हो गया लाइफ में एक बार, तो ऑलमोस्ट ठीक है। आ गए हम लोग रामकुंड पे। ये इस जगह में श्री राम जी ने स्नान किया था, और उसके पीछे है ये मंदिर जिसको भी हमने घूम लिया, और इस जगह में राम भगवान स्नान करते थे ऐसा मान्यता है। अभी हमारे पीछे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का घर, और एक्चुअली अंदर में कैमरास वगैरह ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो हम लोग अंदर का ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, ना आपको दिखा पाएंगे। और उसके नीचे वाले फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में उनके फैमिली अभी भी रहते हैं, जो उनके फैमिली अभी बचे हुए हैं वो लोग रहते हैं। ऊपर में उनका पूरा एक काइंड ऑफ म्यूजियम और गैलरी बना दिया गया, उनकी कितनी भी अचीवमेंट है या वो सब उसमें रखा गया है, और बाकी आप कुछ कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हो। ये है मुर्गन अन्ना, इन्होंने हमें पूरा रामेश्वरम घुमाया। ये इनका गाड़ी नंबर है TN65Q1303। इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप अगर कभी रामेश्वरम आए तो इनको कांटेक्ट कर लेना। ये है इनका नंबर मुर्गन अन्ना, आप इनसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। ये हमें बहुत ही सस्ते में अच्छे से पूरा रामेश्वरम घुमा दिए, तो अगर आप कभी रामेश्वरम आए तो इनके साथ जरूर घूमने का एक बार इनको मौका देना। अपने लॉस पहुंच चुके, और हमारा रामेश्वरम धाम का पूरा ट्रिप पूरा हो चुका है। लाइक यहाँ पे जितने जितने प्लेसेस थे विजिट करने के, वो सब ने हमने कवर कर लिया है। और मैं आपको बता रहा था मंदिर के बारे में, तो मंदिर का मतलब अभी तक मैंने जितने मंदिर विजिट किए हैं उसमें से ये सबसे भव्य मंदिर था। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आपको कभी भी मौका मिले तो रामेश्वरम धाम का सफ़र ज़रूर करें। आपको मतलब अपने ट्रेडिशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमारे धर्म के बारे में। तो ऑन डैट नोट इस ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि आपको एक अच्छा गाइड मैं कर पाऊँ। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।